भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेसी नेता इन दिनों आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। चीन के भारत की सीमा में दाखिल होने की खबरें लगातार सामने आने के चलते अब राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सरकार को गद्दार बताते हुए आरोप लगाए हैं कि गद्दारों ने भारत माता को चीर कर एक टुकड़ा चाइना को दे दिया, जिसे लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को चीन का प्रवक्ता करार देते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। विज ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से देश को अपमानित करने का और देश के सेनाओं के हौसले को कम करने का काम कर रहे हैं, जिससे लगता है कि राहुल गांधी भारत के न होकर चीन के प्रवक्ता हैं। वहीं राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी कायर बताया है। राहुल गांधी के इस बयान के जवाब में विज ने पीएम को शेर करार देते हुए कहा कि ये पीएम मोदी ने जो कहा वो किया है, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है और चाइना की सेना भी अब जो पीछे हट रही है ये भी ऐतिहासिक है। सब राहुल गांधी का बयान आया है कि गद्दारों ने भारत माता को चीर कर एक टुकड़ा जो है वो चीन को दे दिया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी पिछले लंबे समय से देश को अपमानित करने का और देश की सेनाओं को डीमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार के बार बार वो बयान देते हैं उसे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तानी ना होके चाइना के स्पोक्स पर्सन है। सब उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कायर हैं। नरेंद्र मोदी शेर है और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, पाकिस्तान में घुसकर उनको सबक सिखाया है और चाइना के साथ भी अब जो हमारा समझौता हुआ है जिससे लद्दाख में सेनाएं पीछे हट रही हैं ये भी ऐतिहासिक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।